आइए दोस्तों, अत्तारी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। खैर मकदम है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, अत्तारी हेल्थ केयर से आज तक जो भी दवाइयाँ पहुँचाई जाती हैं उन इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिन लोगों की प्लेटलेट्स की शिकायत है, यानी कि डेंगू बुखार है। दोस्तों, इस समय मौसम चेंज हो रहा है और अक्सर वायरस बुखार चल रहा है। इस मौसम में अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, और तुरंत ही अगर सर में दर्द या उल्टी वगैरह आती हैं या आपके जोड़ों में दर्द वगैरह रहता है, शरीर में हड़कल वगैरह पड़ती है, तो ये डेंगू की पहचान है। आप इसमें ख्याल रखें। अगर डेंगू की शिकायत है आपको, या प्लेटलेट्स की शिकायत है, या बुखार ज़्यादा लंबे समय तक रह रहा है, तो आप इसका ख्याल रखें। और इस नुस्खे को जो मैं बता रहा हूँ, इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से आपकी प्लेटलेट्स इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है और घरेलू नुस्खा है, और कुछ लोगों के घर पर भी ये मौजूद हो सकता है, और जिनके घर पर मौजूद नहीं हो वो किसी के घर से ख़रीद ले। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें बकरी का दूध लेना है, ठीक है। एक गिलास आप बकरी का दूध रोज़ाना ले लिया करें और सुबह आप पी लिया करें। तो दोस्तों, इससे आपकी प्लेटलेट्स, डेंगू और मलेरिया की जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी जो डॉक्टर से दवाई वगैरह चल रही है वो आप इस्तेमाल करते रहें। और दूसरा ये है कि पपीते का पत्ता आप साबुत पत्ता 3-4 इंची का चाप लिया करें, और अगर ऐसा ना कर सकें तो आप पत्ते का जूस बनाकर उसमें शहद मिलाकर इस्तेमाल कर लिया करें। इंशाल्लाह आपकी प्लेटलेट्स की शिकायत ख़त्म हो जाएगी, और जो खून आपका क्योंकि खून जो है जम जाता है, इसी कारण गाढ़ा पड़ जाता है, इसी कारण हमारे प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, इसे पूरा कीजिए, बहुत बेहतरीन नुस्खा है। इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपकी प्लेटलेट्स और डेंगू जैसी बीमारी से निजात मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैं इसी तरह की जानकारियां देता रहता हूं, फिर अगली वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।